A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। अगर आपके घर में भी वैवाहिक कार्यक्रम है तो ये खबर खास आपके लिए है। बता दें कि अप्रैल माह के अंतिम दिनों में जो परिवार अपने वैवाहिक आयोजनों के लिए तिथि निर्धारित कर रहे हैं, उन्हें काफी सोच समझ कर वैवाहिक तिथियों का निर्धारण करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं और वाहनों का अधिग्रहण 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जबकि इसी दौरान सबसे अधिक लगन होना बताया गया है। उधर बस वालों ने वैवाहिक कार्यक्रम करने वालों से एडवांस राशि भी ले रखी है। ऐसे में बस मालिक बस कहां से दे पाएंगे? बाद में वैवाहिक आयोजन करने वाले लोगों को एडवांस वापस लेने के लिए भटकना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि जिले में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के चलते निर्वाचन कार्य में पोलिंग पार्टी के आवागमन हेतु 22 अप्रैल को शाम 5 बजे से इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में बसों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें पुलिस फोर्स को लाने ले जाने के लिए लगभग 100 से 125 बसें लगाई जाएंगी, जो कि 22 अप्रैल से पहले ही पुलिस विभाग रीवा के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएंगी। इसके अलावा मतदान दल, मतदान सामग्री, सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि की व्यवस्था के लिए अलग से लगभग 500 बसें की जाएंगी। गौरतलब है कि इसी समय इन्हीं तारीखों पर 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक शादियों की लगन भी बड़ी जोर शोर से हो रही है, जिसमें वैवाहिक कार्यक्रम में बारात के आने जाने के लिए बसों की आवश्यकता रहेगी। लोकसभा चुनाव के चलते सभी गाड़ियां निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित हो जाने के कारण यात्री बसें बारात के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। साथ ही सेक्टर ईवीएम मशीन जोनल ऑफिसर को लाने ले जाने हेतु लगभग 250 जीप टैक्सी जैसी छोटी गाड़ियाँ, जिनमें बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा जैसी छोटी गाड़ियाँ भी अधिग्रहित कर ली जाएंगी। बारात और चुनाव का समय एक साथ होने के कारण आम जनता को वाहन मिलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वाहनों का अधिग्रहण करने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर रीवा के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस संबंध में प्रशासन द्वारा भी यह सलाह दी गई है कि सभी आमजनों को बारात में परेशानी से बचने के लिए स्वतः के साधन पर ही जाना होगा। महिलाएं बच्चे 22 अप्रैल के पहले ही अपने जाने वाले स्थान पर समय से पहुंच जाएं, क्योंकि यात्री वाहन 22 अप्रैल से निर्वाचन में वाहन व्यवस्था के लिए अधिग्रहित हो जाएंगे। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इस कारण के चलते कई लोग वैवाहिक कार्यक्रम की तिथियां बदल रहे हैं ताकि असुविधा से बच सके। निर्वाचन को लेकर के जो ट्रांसपोर्टेशन प्लान अपना एक बनता है, जिसमें बसें रहती हैं, साथ ही में छोटे वाहन भी रहते हैं, तो उनकी सबकी तैयारी की गई है। जो असेसमेंट है वो अपने यहाँ 400 से ज़्यादा बसों का है, और अपने लिए ये अच्छा है कि अपने यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है तो आसपास के जो ज़िले हैं सीधी में पहले ही चुनाव हो जाएगा, तो इधर उधर की बसें भी हो जाती हैं। अदरवाइज़ अपने यहाँ RTO ने पूरी तैयारी कर ली है, बसों की कोई दिक्कत नहीं होती। विधानसभा निर्वाचन में अपने को लगभग जितनी बसों की आवश्यकता पड़ी थी उतनी ही बसों का लोकसभा में काम होगा, तो बसों का ट्रांसपोर्टेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शादियां भी हैं, उसके बीच में बसें रजिस्टर नहीं, वो असेसमेंट हो गया है, और चुनाव में जो मतदान दल जाते हैं उनको लाने ले जाने में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आएगी, और अपना जो दूसरा फेज है वो 26 अप्रैल के आसपास है, 26 अप्रैल को है, तो जो 24-25 को बसों का अधिग्रहण बेसिकली 3 दिन का रहता है, तो वो आसानी से संपन्न हो जाएगा। अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa.